हेलो एवरीवन। तो आज का मॉर्निंग का मौसम हो रखा है बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब थोड़ी बारिश हो चुकी है। रात को भी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने जब 11:30-12 बजे मैंने नोटिस किया था कि बारिश मतलब हल्की हल्की हो रही है। तो अभी मॉर्निंग में भी थोड़ी बारिश हुई है, तो मतलब थोड़ा मौसम और ठंडा हो रहा है। मतलब मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाएगा अभी यहाँ पर भी, क्योंकि चंडीगढ़ में इतनी ठंड नहीं थी पर अभी हो जाएगी। तो मैं पी रही हूँ ब्लैक हॉट कॉफ़ी विद दिस वेदर। आपको भी पीनी चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी हेल्दी होती है। तो मैं अपनी मॉर्निंग इस कॉफ़ी के साथ शुरू कर रही हूँ। और वो चले गए हैं मॉर्निंग में, अभी थोड़ी देर पहले ही वो ड्यूटी गए हैं आज। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मेरा पानी गर्म हो गया, क्योंकि लाइट नहीं थी इतनी देर। तो फिर थोड़ा लैंप के सहारे स्टडी करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और मिलते हैं नहा के थोड़ी देर में। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और ये है मेरी आज की लुक। आज मैंने घर पर ही रहना है, तो मैंने ये वार्म है मतलब गर्म है जो मैंने लोअर पहना है, और ये जो मैंने टॉप पहना है ये भी मतलब काफ़ी गर्म है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्किन केयर कैसे करते हैं, मतलब आप आफ्टर नहा के जब आते हो उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र, जो मैं नीविया का यूज़ करती हूँ। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको अच्छे से यूज़ करना है, ताकि आपकी जो स्किन है वो सारी मॉइस्चराइज्ड रहे, कहीं से आपकी स्किन जो है वो मतलब ड्राई ना रहे। अभी अच्छे से पूरा आपने इसको मर्ज कर दिया अपनी स्किन में। इसके बाद हमें यूज करनी है सनस्क्रीन, या आप कुछ और यूज़ करते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं सनस्क्रीन करती हूँ जंगलॉजी की यूज़, और ये बहुत बेस्ट है। इसके एक पंप से मेरा काम चल जाता है। अगर आपको ये चाहिए होगी ना तो मुझसे आप लिंक मांग सकते हो, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। मतलब बहुत ज़बरदस्त है ये सनस्क्रीन। मतलब इसके ऊपर आप मेकअप भी यूज़ करोगे ना, पता नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन यूज़ करी, क्योंकि कुछ सनस्क्रीन जो होती हैं वो बहुत पैची होती हैं, उनमें पता नहीं क्या ही होता है, वो क्रैक्स हो जाता है अगर आप मेकअप करते हो तो, हैवी सी लेयर बन जाती है। या फिर तो देखो, मैंने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, बट पता चल रहा है कि किसी चीज़ का कि मैंने यूज़ करा है। तो ये मतलब ये होता है सनस्क्रीन यार, कितनी अच्छी है, पूरी स्किन में ऐसे अच्छे से मर्ज होगी, वह शाइन अलग से देती है फेस पर। तो उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ लिपस्टिक। ये तो मैं स्विस ब्यूटी की, अभी वैसे तो मैं लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ समटाइम, बट अभी थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं ये करूँगी लिपस्टिक यूज़। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, उससे पहले मुझे यूज़ करना है क्या, उससे पहले मुझे यूज़ करना है थोड़ी सी वैसलीन। और उस वैसलीन के बाद मुझे अप्लाई करनी है ये। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, आई जस्ट लव दिस। ओके, लिपस्टिक आपने अप्लाई कर ली है। मुझे आदत है आई शेडो पैलेट का, या फिर मैं ब्लशर का भी यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ से ना मैं शिमरी कोई भी लाइट सी शेड उठाऊँगी ना, उसको अपनी आईज पे ऐसे ऐसे लगा लूँगी, आंखें बहुत सुंदर दिखती हैं। मेकअप नहीं बता रही, मैं डेली बता रही हूँ, डेली करती हूँ मैं ये, मतलब आईज़ का मैं डेली नहीं करती हूँ, बट आज करूँगी थोड़ा, आपको बता रही हूँ ना इसलिए। ये देखो उंगली से कितना अच्छा ब्लेंड हो गया, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिटल लाइन ऑफ आईलाइनर, मतलब बिल्कुल हल्का सा, खुल नहीं रहा, खुल गया, क्योंकि इससे ना और ज़्यादा इन्हेंस होके आएंगे आपकी आईज। वेट में इसमें देख के लगाती हूँ।
ओके सो आईलाइनर मेरा हो गया, थोड़ा सा कुछ तो गिरा नीचे, क्या गिरा, लिपस्टिक ही गिरी नीचे। ईयरबड से मैंने साफ कर लिया तो आप देख सकते हैं आईज। अब मैं लास्ट क्या लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी बिंदी। और साथ में मैं लगाऊंगी, तो जिनको लगता है मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं जस्ट यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। और मैं अपनी स्किन पे ना बहुत सारे वो केमिकल्स, बहुत कभी कुछ फंक्शन हो गई जाना हो तब मैं यूज़ करती हूँ। और ये मैं लगा रही हूँ सिंदूर। ये सो फाइनली आई एम रेडी। ये और बाल तो मेरे मैसी रहते हैं, हेयर स्टाइल मुझे नहीं आता कोई अच्छा सा, बट एक दो हेयर स्टाइल में बहुत अच्छे कर लेते हैं, उनके बारे में मुझे बहुत लोग पूछते हैं। कभी मुझे टाइम लगेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। ओके तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, जो गर्ल्स मुझे काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि आप हमें बताओ कि आप क्या स्किन केयर रूटीन करते हो। और जो मैंने अभी इतना कुछ अप्लाई करा ना, रात को जब मैं सोती हूँ तो मैं फेस वॉश करने के बाद जस्ट अपनी ये वाली क्रीम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये फेस पे निशान वगैरह कुछ हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। और दिन में सनस्क्रीन मस्ट, उससे पहले मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो बस यही सब कुछ मैं यूज़ करती हूँ और ये है मेरा स्किन केयर रूटीन। बाकी मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल आर आस्किंग मी लाइक कि आप लिपस्टिक लगाते हो, कौन सा वो लिप लाइनर। तो लिप लाइनर मैं आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो मैं आपको बताती हूँ कि किसे शेड करना है। पहले भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, देखो आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रो हो करने हैं। तो मैं तो कभी भी कर लेते जब मुझे याद आता, तो ठीक है अभी देखो। तो दिस इज माय फाइनल लुक, वेट फॉर एंड ये आई एम रेडी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं नहा के जब आई तो तब लाइट नहीं थी, अभी लाइट है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं स्किन केयर का बता दूं। उससे पहले मैं बना चुकी हूँ ये राजमा, और बहुत मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मेरा मन कर रहा है मैं केले खा लूं, बट उनका वेट कर रहा है। और साथ में मैं राइस भी मैंने धो के पूरा अच्छे से मैंने कुकर में डाल के रख लिया, ताकि जब वो आएंगे जल्दी से पानी डालूंगी और एक 1.5 विसल लगवाऊंगी और आराम से मेरे राइस पक जाएंगे। तो बस अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी अच्छी सी चाय, क्योंकि एक कड़क चाय की प्याली हो तो वो बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं भी पीऊंगी। तो अभी मैंने जस्ट पी चाय और साथ में मैंने बिस्किट खाए और नमकीन खाई। अब मैं वेट कर रही हूँ उनका, और मैंने गैस ऑन कर दी बिकॉज राइस बनाने से थोड़ा स्टीम निकलने में टाइम लग जाता है, तो वो शायद मे भी अराउंड 2 बजे तक पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पीछे। अब देखना मेरा दम, ताकत आपको मैं उठाऊं। ताकत है आप मेरे को उठा के दिखाना। मैं बोला ढक्कन चुकोना, इन चुकोना देखा, देखिए टच कर, बहुत हार्ड है दोस्तों।
पता नहीं मास है अभी। मैं पछाड़ रहा हूँ, मतलब मेरे को एक डायलेक्ट है मेरे अंदर, बोल रहे क्या बेधड़क एक ही टैलेंट है मेरे अंदर भी। उसके लिए मेरे पति को स्टेज पे आना पड़ेगा। चलो पति आ गए तुम, चलो ये देख सकते हैं आप लोग। लो अब हाथ धो लो। दो तो लिए, गर्म हो गया बड़ा भारी यार। वाओ, तो आज बने हैं आलू राजमा एंड राइस। ये कुकर भर के चावल खाता है इंसान। चलो खा के बताओ कैसा बना है। दही लगा के बनाया मैंने। बेस्ट यार, बेस्ट, मस्त है सच्ची, बड़ा कैंट है। आ जाओ आप लोग भी भवन में घुस जाओ। नहीं नहीं, तो अभी मुझे पता नहीं है कि हम मतलब रात में डिनर में क्या खाएंगे। मेरा मन कर रहा है कुछ बाहर का, मतलब हल्का सा मुझे कुछ खाने का दिल है, चटपटा सा खाने का दिल है, तो वो खाएंगे अभी। जाओ लेके आओ मेरे लिए, मुझे नहीं पता। उठ तो ऐसे रहे जैसे अभी लेके आ जाओ, कितने फेक हो तुम, बहुत फेक हो। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप्स आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रोहित का फोन आ रहा है। रोहित वीडियो देखा कर, बदतमीज। बाय।